बढ़ते आगे रुक कर लेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां नीट पेपर लीक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। दरअसल धांधली की जांच की मांग को लेकर दाखिल हुई है याचिका, जिस पर सुनवाई होनी है सुबह 11 बजे का समय, जब सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले में सुनवाई शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी करके जवाब की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई तक जवाब मांगा था। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। दरअसल नीट पेपर लीक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और धांधली की जांच की मांग को लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर आज सुनवाई होगी। 11 बजे का समय जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी, एनटीए को नोटिस जारी करके सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जवाब की मांग की गई थी। 8 जुलाई तक का समय दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जब इस पूरे मामले में जवाब दाखिल करना था। तो अब पूरे मामले में सुनवाई होगी। दरअसल धांधली को लेकर के एक याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर आज सुनवाई शुरू होगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सुबह 11 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। दरअसल नीट पेपर लीक मामले में अब पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और 8 जुलाई तक का चूंकि समय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया था जवाब दाखिल करने के लिए, अब ऐसे में आज सुबह 11 बजे से ये सुनवाई शुरू होगी। नीट पेपर लीक मामले में पूरी अब सुनवाई होनी है चूंकि, और सुबह 11 बजे का समय जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। धांधली की जांच की मांग को लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी। दरअसल आपको बता दें कि नीट पेपर मामले में ग्रेस मार्क्स को लेकर के गड़बड़ी का आरोप लग रहा है और लगातार इस पूरे मामले में जहां सियासत भी गरमाई हुई है, वहीं पूरे मामले में प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। हालांकि गड़बड़ी की जांच को लेकर के एक याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई होनी है और सुबह 11 बजे का समय जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था। तो नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में 11 बजे सुनवाई शुरू होगी। क्या कुछ इस मामले में देखने को मिल सकता है, सुनवाई के दौरान क्या कुछ खास देखने को मिल पाएगा, ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि लगातार गड़बड़ी को लेकर, धांधली को लेकर आरोप लग रहे हैं, राजनीति भी गरमाई हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी देवेश लाइव जुड़े हुए हैं। देवेश, नीट पेपर लीक मामले में अब धांधली के आरोप लग रहे हैं, जहां एक तरफ राजनीति गरमाई हुई है, वहीं दूसरी तरफ छात्रों की तरफ से प्रदर्शन भी किया जा रहा है, दोबारा पेपर करवा आने की बात भी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में चूंकि सुनवाई है, सुनवाई के दौरान क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है, क्या इस पूरे मामले में दोबारा से प्रदर्शन के चलते दोबारा एग्जाम होगा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला संभव? देखिए, बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से नीट एग्जाम को लेकर सुनवाई होनी है। हालांकि लगातार सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर सुनवाई कर रहा है। 11 बजे का समय है जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगा। हालांकि इससे पहले जो है सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को भी नोटिस जारी किया है और उसको लेकर जवाब मांगा है। आज फिर से 11 बजे का समय है जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगा। दरअसल जो धांधली हुई है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि इसमें कई अनियमितताएं हैं और जो धांधली हुई है उसमें अलग अलग अधिकारी हैं उनको दायर की थी, कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेश, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचवाने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले में क्या कुछ एक्शन लेता हुआ नजर आता है।